आज जो वीडियो हम ले आया वो है रूल वुल्फ का दूसरा एम्पेयर आईजीबीटी वेल्डिंग मशीन। मेनली ये जो सर्किट है ये है ZX7 200 एम्पेयर का सर्किट। बहुत सारे कंपनी ये सर्किट यूज़ करता है। तो चलिए, इसका जो प्रॉब्लम है ये है नो करंट। मशीन ऐसे चालू है लेकिन वेल्डिंग नहीं हो रहा है। इस प्रॉब्लम रिपेयरिंग करने के लिए ये वीडियो जरूर अंत तक देखिए। ऐसे देखिए, बोट का ऊपर से कोई डैमेज दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम लोग क्या अभी स्टेप बाय स्टेप इसका वोल्टेज चेक करेंगे, उसके बाद इसका कहाँ प्रॉब्लम है उसका ढूंढेंगे। अभी मशीन में पावर दिया है लेकिन कोई ओसिलेट नहीं चल रहा है, कोई आउटपुट वोल्टेज नहीं है। अभी स्टेप बाय स्टेप ये प्रॉब्लम हम रिपेयरिंग करेंगे। तो चलिए रिपेयरिंग शुरू करें। ये पावर देने से पावर आ रहा है, इसका मतलब पावर सेक्शन सही है। तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप कहाँ रखेंगे? ऑक्सिलरी पावर सप्लाई। ऑक्सिलरी पावर सप्लाई में हम लोग देखेंगे ये 24 वोल्ट है कि नहीं है। देखिए, इसमें भी 24 वोल्ट प्रेजेंट है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप है कंट्रोल कार्ड। कंट्रोल कार्ड से जो ड्राइवर सिग्नल बनता है वो सिग्नल चेक करेंगे। देखिए, मीटर में हम डीसी के लिए रख के देख रहे हैं, जो 9Z MOSFET है उसका देखिए ड्रेन में पूरा 25 वोल्ट है। उसका मतलब है कंट्रोल कार्ड काम नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर कंट्रोल कार्ड काम करेगा तो वोल्टेज ड्रॉप होगा ना। वोल्ट ड्रॉप नहीं हो रहा, इसका मतलब है वो कंट्रोल कार्ड नहीं काम कर रहा है। तो जो प्रॉब्लम है वो कंट्रोल कार्ड में। अगर कंट्रोल कार्ड के सिग्नल नहीं देगा तो आगे जो स्टेज है जो IGBT ड्राइवर नहीं बनेगा तो ये काम नहीं करेगा। देखिए, कंट्रोल कार्ड ऐसे रिपेयरिंग करने का बहुत दिक्कत होता है, इसलिए हम लोग पहले ओपन कर लेंगे। ओपन करके बाद इसको रिपेयरिंग करेंगे, उसके बाद फिर लगा देंगे। तो कैसे ओपन करता है ये हम लोग इस मीटिंग में दिखाएंगे। अब इसका आउटपुट में देखिए, आउटपुट शॉर्ट दिखाई दे रहा है, क्वांटिटी स्केल में शॉर्ट है। इसका मतलब है वो जो डायोड है, आउटपुट जो डायोड है वो डायोड कोई शॉर्ट हो सकता है। इसमें 4 डायोड है, कोई एक तो शॉर्ट हो गया। ये आउटपुट डायोड जो शॉर्ट है, ये शॉर्ट के कारण OC जलना चाहिए था, लेकिन इसमें इस केस में OC नहीं जला, क्योंकि देखिए कंट्रोल कार्ड सही से काम नहीं कर रहा है, इसलिए वो OC सेक्शन भी बंद हो सकता है, इसलिए OC नहीं है। वेल्डिंग मशीन रिपेयरिंग करने के टाइम अब लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने से क्या होता है, प्रॉब्लम बहुत ईजी हो जाता है रिपेयरिंग करने के लिए, क्योंकि स्टेज बाय स्टेज हम काम करेंगे। एकदम इजी प्रोसेस से आप रिपेयरिंग कर सकते हैं। ये डायोड देखिए, ये सही है। तो हम नेक्स्ट डायोड चेक करेंगे। ये जो डायोड देखिए, ये डायोड शॉर्ट है, इसलिए शॉर्ट दिखाई दे रहा था।
वो जो शॉर्ट था देखिए वो अभी ओपन हो गया। ये डायोड हम बाद में रिप्लेस करेंगे, पहले हम कंट्रोल कार्ड रिपेयरिंग करेंगे। कंट्रोल कार्ड रिमूव करने का सबसे आसान तरीका है, उसको पहले तोड़ लीजिए। ऐसे करने से वो टूट जाएगा। अभी हम नया कंट्रोल कार्ड लगाएंगे, क्योंकि ये कंट्रोल कार्ड रिपेयरिंग करने के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो बाद में कोई वीडियो में हम लोग दिखाएंगे कैसे कंट्रोल कार्ड रिपेयरिंग करते हैं। तो आज हम लोग क्या करें, जो नया कंट्रोल कार्ड है इसी का जगह लगाएंगे। अभी हम वो जो आउटपुट डायोड है ये अभी लगाएंगे। इस बोर्ड में देखिए तीन टू कंडेंसर का जगह है, लेकिन दो टू है, इसलिए एक टू कंडेंसर अभी लगा देंगे। क्या होगा, देखिए कंडेंसर ज़्यादा लगाने से ये बोर्ड जो सप्लाई का जो वैरी होता है, अप डाउन करता है, वो कम हो जाता है, इसलिए आउटपुट स्टेबल अच्छा आउटपुट देता है।
अभी ये बोर्ड लगभग कंप्लीट हो गया, तो अभी हम लोग क्या करें, सीरीज लाइन पे इसको लाइन देंगे, देने के बाद दिखाई देंगे जी क्या हुआ। देखिए ये ऑन हो गया, जो RGBD का जो LED है वो जल रहा है, देखिए आउटपुट भी है। तो ऐसे ये बोर्ड अभी कंप्लीट हो गया। इसका कंट्रोल कार्ड का प्रॉब्लम था और उसके साथ क्या है, जो आउटपुट डायोड था वो शॉर्ट था। ये वीडियो आपका कोई काम पे आया तो ज़रूर मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए इस मशीन का कौन सा रिपेयरिंग का वीडियो मेरे चैनल पे देखना चाहते हो। हम ज़रूर कोशिश करेंगे उस फॉल्ट में वीडियो लाने के लिए। आज का ये वीडियो इतना था, फिर मिलेंगे कोई नए वीडियो के साथ। एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।